कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट। हम लोग पिछली वीडियो में हमने प्लांट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, ये उसका रीकैप है। हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट्स। पहला पार्ट जो है कि जिसमें डिफरेंशिएट प्लांट्स नहीं होते, वो कौन से होते हैं? थैलोफाइटा। उसका दूसरा डिफरेंशिएशन है कि हैव डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जिसके होंगे, या तो वो वस्कुलर टिश्यू विदाउट वस्कुलर टिश्यू के होंगे, या तो वस्कुलर टिश्यू के साथ होंगे। अगर विदाउट वस्कुलर टिश्यू है तो वो किस में आएगा? ब्रायोफाइटा में आएगा। अगर वस्कुलर टिश्यू के साथ साथ वो प्रोड्यूस सीड्स भी नहीं करते और सीड प्रोड्यूस करते, तो ऐसे प्लांट जो प्रोड्यूस सीड करते हैं उसको फिनेरोगैम्स बोलते हैं। फिनेरोगैम्स जो है फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कि जिसकी बियर नेकेड सीड्स होती हैं उसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। दूसरा कि जिसके बियर सीड्स जो है वो इनसाइड द फ्रूट होते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब ऐसे जो सीड ही प्रोड्यूस नहीं करते उसको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैव। पहला कि हैव सीड्स विद टू कॉटिलेडन, जिसके साथ दो कॉटिलेडन होगा वो उसको डाइकॉट बोलेंगे। नेक्स्ट की जिसपे एक ही कॉटिलेडन होगा उसको मोनोकॉट बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया क्विक रिकैप। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनिमिलिया के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या है कि दीज ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमिलिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो मतलब क्या होता है? जो पहले से ही बने हुए हैं, मतलब जो डेवलप नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है। तो ऐसे एन ऑर्गेनिज्म एनिमिलिया के अंदर आएंगे जो कि यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। एक सेल का होगा तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर उन्हें बोलते हैं जिसके अंदर मल्टी बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, मिलके काम करते हैं, तो उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक होंगे, ये तीनों चीज़ होंगे तभी वो एनिमिलिया के अंदर आएंगे। ऐसे एनिमिलिया के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल हमने पता है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में ही होती है। तो अगर सेल वॉल होगी तो वो प्लांट कैटेगरी में आएंगे, एनिमिलिया कैटेगरी में नहीं आएंगे। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। मोबाइल हम जो चलाते हैं, मोबाइल वो वाला मोबाइल नहीं है। मोबाइल मतलब होता है कि मूवमेंट, जो चीज़ मूवमेंट कर सकती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बेस पे कि बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड द टाइप, उनकी बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, उसके बेस पे एनिमल्स को इन सब कैटेगरी में, 10 कैटेगरीज में बांटा गया है। हम इनको एक एक करके डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सबसे पहला है। फिर उसके बाद थोड़ी सी उनकी बॉडी में और डेवलपमेंट हुई होगी तो वो कैलेंड्रेट्रा में आ गया। फिर उनकी बॉडी में कोई और डेवलपमेंट हुई होगी तो प्लेटीहेलमिंथिस में आ गया, फिर नीमाटोडा में, फिफ्थ एनिलीडा में, सिक्स ऑर्थ्रोपोडा, सेवन्थ मॉलुस्का, एट इकाइनोडर्माटा, नाइन्थ प्रोटोकॉर्डाटा, 10 वर्टिब्रा। फिर वर्टिब्रा में आने के बाद भी ये और भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, और भी क्लास डिवाइडेड हुई है। पहला क्या है? साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एप्स, मेमीलिया, इनमें भी। अब हम इन सब के बारे में तो एक एक करके डिटेल स्टडी करते हैं। बस एनिमिलिया में फर्स्ट है पॉरीफेरा। अब हम पॉरीफेरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो क्या है। पॉरीफेरा मतलब होता है कि, पॉरीफेरा नाम से ही है कि पॉरी मतलब पोर्स या होल्स, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर ही लिखा हुआ है कि पॉरीफेरा ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं। सेकेंड चीज़ की ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये सिर्फ एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर, कोई भी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर रह के अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये मतलब नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। पोर्स इनके शरीर पे, पूरी शरीर पे पोर्स होता है। पोर्स की वजह से क्या होता है कि इसमें सर्कुलेटिंग वाटर, वाटर सर्कुलेट अच्छे से कर पाता है थ्रू आउट द बॉडी, और फिर वही वाटर की वजह से, वाटर के अंदर फूड और ऑक्सीजन उनकी बॉडी में उसी वजह से सर्कुलेट कर पाता है। थर्ड है कि कवर्ड होता है हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर वो थोड़ा सा हार्ड कवरिंग बन जाती है।
फोर्थ चीज की कॉमन, इसको पॉलीफेरा को हम लोग कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर अब होल्स हैं, पोर्स हैं, और इनके ऊपर हार्ड आउटसाइड ही बना है। तो इसमें ये क्या है कि ज़्यादातर मरीन हैबिट्स में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये जो है मरीन हैबिट्स में पाए जाते हैं। अब इनकी बॉडी का डिज़ाइन जो है वो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब टिशू से ऑर्गन में या सेल से टिशू, टिशू से ऑर्गन, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है ये, बिल्कुल हल्की सी डेवलप है। मतलब हम वन बाय वन ऐसे जीरो से टेन तक पहुँच रहे हैं कि हम लोग एनिमल्स कैसे बने, हम लोग के अंदर इतना सारा मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है, ये पूरी वो स्टोरी की तरह है। पहले ये था कि पॉलीफेरा, अब इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हुआ था, ठीक है। अब ये वाटर में रह रहा है, अब इसका ही थोड़ा सा मॉडिफाइड पार्ट क्या हो गया, कुछ टाइम बाद कॉलेंट्रेटा आ गया, ठीक है। ये भी जो है पानी में ही रहते हैं, इनकी बॉडी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएट होने लग गई, किसकी, किससे, पॉलीफेरा से। इनकी बॉडी में कैविटी होती है, अब बॉडी जो है वो दो लेयर ऑफ सेल से मिलके बनी है। पहली लेयर ऑफ सेल जो है वो क्या बनाती है, आउटसाइड द बॉडी बनाती है, मतलब बॉडी, बॉडी के जो आउटसाइड की लेयरिंग हो गई या कोई भी वो हो गया, ये वाले फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वो काम करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर इनर लाइनिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव्स इन कॉलोनीज, कॉलेंट्रेटा की कुछ स्पीशीज जो हैं वो कॉलोनीज की तरह रहती हैं, मतलब जैसे कॉलोनीज में कोरल्स, कोरल्स जो हैं वो कॉलेंट्रेटा के कॉलोनीज में रहते हैं, और कुछ जो हैं सॉलिटरी, लाइक सॉलिटरी में रहते हैं। सॉलिटरी होता है एक अकेले जिंदगी जीना, उसमें रहते हैं, अकेला सॉलिटरी कहलाता है। अब उसमें क्या है, हाइड्रा एग्जांपल है, जेलीफिश और सी एनिमोन। अब हमारे पास थर्ड है प्लेटी हेलमिंथिस, ये जो है इस, इनकी बॉडी का डिज़ाइन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है पॉलीफेरा और कॉलेंट्रेटा से। इनकी बॉडी जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब कि कोई भी बॉडी है उसको हम ऐसे प्लेन से काटें कि उसका पूरा पार्ट इक्वली हो लेफ्ट और साइड का, तो उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इनकी डिज़ाइन जो है बॉडी का, अगर ये बायलेटरल सिमेट्री, अगर हम कोई भी प्लेन हम ऊपर से नीचे में एक प्लेन में काटें तो इनकी बॉडी जो है टॉप टू बॉटम जो है वो सेम रहेगी। ये जो है थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी उसमें। ऐसे ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब जैसे हमने पीछे हमने पढ़ा था कॉलेंट्रेटा में दो लेयर इन्वॉल्व होती है, एक बाहर की बनाती है एक अंदर की बनाती है, तो ऐसे ही पहले हेलमिंथिस में तीन है, तो जिसमें तीन लेयर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब जैसे वन लेयर इन्वॉल्व हुई, टू लेयर हुई, थ्री लेयर हुई, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एंड सम ऑर्गन, इसकी वजह से ही कुछ तो आउटसाइड बॉडी बना, बॉडी के आउटसाइड का बनाते हैं, कुछ इनसाइड बॉडी का बनाते हैं, और कुछ जो थर्ड लेयर बच जाती है वो कुछ ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करती है। इसमें कोई भी नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी, मतलब कि अंदर से कोई भी ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं है। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, कैविटी को सिलोम भी बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में कोई भी ऐसा इंटरनली कैविटी नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि बॉडी जो है इनकी फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है डोर्सोवेंट्रिकली। डोर्सोवेंट्रिकली मतलब कि ऊपर से नीचे इनकी चपटी सी होगी, ठीक है, इनमें कोई वो नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही बॉडी वालों को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म्स एग्जांपल है। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल एकदम चपटा सा, अगर हम गूगल पे सर्च करके देखें तो हम देख सकते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो चपटी होती है। प्लेटी हेलमिंथिस या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। अगर फ्री लिविंग है तो वो, फ्री लिविंग का एग्जांपल है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बारे में हम जानते भी होंगे। पैरासिटिक में है लिवर फ्लूक्स। अब जैसे मैंने लिवर फ्लूक का एग्जांपल बना रखा है, अब मैंने ऊपर से प्लेन से काटा तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल हो गई, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। फोर्थ है निमाटोडा, निमाटोडा भी बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
ठीक है, अब हम मुझे बार बार बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बाइलेटरल होता है कि अगर हम किसी भी प्लेन से काटें तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर्स ऑफ सेल से मिलके बनी हो, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है। प्लेटिहेलमिंथीज में कैसी थी, फ्लैटेंड थी, चिपटी थी, लेकिन अब जो है निमाटोडा में मॉडिफाई होके सिलेंड्रिकल में बन गई है। अब निमाटोडा में जो है टिश्यू प्रेजेंट होने लग गए, लेकिन रियल ऑर्गेन अभी भी नहीं है। टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी रियल ऑर्गेन नहीं है। बॉडी के अंदर जो है वो कैविटी जो है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट बॉडी कैविटी है, मतलब कि जो कैविटी है वो टिश्यूज से कवर हो रखी है, तो मतलब उसको हम कैविटी बोल भी सकते हैं और कैविटी नहीं भी बोल सकते, इसलिए जो है वो सूडो सिलोम बोला गया है, सूडो सिलोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि हम फैमिलियर है पैरासिटिक वॉर्म्स से, कि ये जो है वो पैरासिटिक वॉर्म्स भी होते हैं और जो कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ वॉर्म्स मतलब उनमें से कुछ हैं जो कि एलिफेंटेसिस बीमारी को भी कॉज करते हैं। एलिफेंटेसिस को फ्लेरियल वॉर्म्स की वजह से होता है। और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स। एग्जाम्पल है इसका निमाटोडा का स्कैरिस एंड वॉचेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एनिलीडा। एनिलीडा भी जो है वो बायलेट्रिकल सिमेट्री होती, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब जो है इनकी बॉडी जो है उनमें ट्रू कैविटी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गन्स जो हैं वो बन पा रहे हैं, ट्रू ऑर्गन्स बन पा रहे हैं, और वो ट्रू ऑर्गन्स बन पा रहे हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गन से पैक्ड है। इसकी वजह से क्या है कि एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, मतलब कि उनकी बॉडी में हेड टू टेल में हम लोग अगर देखें एनिलीडा के, तो सेगमेंटेड फॉर्म्स हो जाते हैं, तो हम उसकी बॉडी आउटर सरफेस से हम डिफ्रेंशिएट ऑर्गन्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हेड कौन सा है, टेल कौन सा है, और उनमें सब में सेगमेंटेड भी प्रेजेंट होते हैं। लिखा हुआ है कि फ्रॉम हेड टू टेल बॉडी इज सेगमेंटेड। नेक्स्ट है कि एनिलीड्स जो हैं वो एक हैबिटेट में नहीं रहते, बहुत सारे तरीके की हैबिटेट्स में वो रहते हैं। कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मैरीन वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म एंड लीचेस। बस है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा नाम से ही, इसका नाम का मतलब ही है कि जॉइंटेड लेग्स। क्या है, जॉइंटेड लेग्स। प्रोबेबली क्या है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, मतलब ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स के लार्जेस्ट ग्रुप में है। इनकी भी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, सेगमेंटेड होती है। इनमें एक नया वर्ड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड जो है वो आर्टरीज, वेन्स या ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करके वो मतलब कि वो ऐसे ही फ्लो कर रही हैं, तो सेल इंटेस्टाइनल जो भी उनका मटेरियल है वो और ब्लड मिक्स हो सकता है, तो ऐसे को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ब्लड जो है वो डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करके करता, ऐसे ओपन में हो। नेक्स्ट है कि सिलोमिक कैविटी। अब जो सिलोमिक प्रेजेंट होता था उसमें ये ब्लड फिल्ड होता है। एग्जाम्पल है प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब। मैंने बता दिया कि ये जॉइंटेड लेग्स होते ही हैं, ऑर्थ्रोपोडा मतलब ही है कि जॉइंटेड लेग्स। नेक्स्ट है हमारे पास मोलुस्का। मोलुस्का भी जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। सिलोमिक कैविटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। अब इनमें बॉडी में जो है वो बहुत कम सेगमेंटेड हैं, लिटिल सेगमेंटेड होते हैं। इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि इनमें भी कोई वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता। इनमें एक किडनी लाइक ऑर्गन जो है वो फॉर्म हो गया है, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। अब जो है, अब इनमें क्या है कि फूड जो है वो प्रेजेंट है, किसके लिए, यहाँ पर अब फूड प्रेजेंट हो गया, किसके लिए, मूविंग के लिए, अब चलने के लिए आसपास जो है वो फूड प्रेजेंट हो गया है। एग्जाम्पल है स्नेल्स, म्यूसेल्स। हमारे पास इकाइनो डर्माटा। इकाइनो का मतलब है स्पाइनी और डर्माटा का मतलब है स्किन, स्पाइनी स्किन, तो मतलब कि स्पाइनी मतलब क्या, काटे काटे, तो स्किन पे ऐसे स्पाइनी प्रेजेंट होंगे। ये जो है फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है,
पिक्यूलियर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम, इसमें एक अनोखा एक सिस्टम है जो कि यूज़ करते हैं किसके लिए, मूविंग अराउंड, आसपास जाने के लिए ये यूज़ होता है। अब दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है, एग्जाम्पल सी स्टार्स एंड सी यूरेकेंस। नेक्स्ट है प्रोटोकॉड डाटा। प्रोटोकॉड डाटा क्या है, ये बायोलेट्रल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम है। इसमें एक चीज़ क्या है कि नोटोकॉड प्रेजेंट हो जाती है कोई भी, मतलब कोई भी स्टेज पे, ऐसे ही नहीं है कि पूरी फुल स्टेज पे, कोई भी स्टेज पे नोटोकॉड जो है वो तुम्हें प्रेजेंट मिलेगी मिलेगी। नोटोकॉड क्या है, एक रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करता है और रन करता है अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल, एनिमल्स की बैक में पाया जाता है, जो कि सेपरेट करता है नर्वस टिश्यू को किससे, गट से। ये जो है मैरीन एनिमल्स होते हैं, एग्जांपल है ब्लेनोग्लॉसेस, हर्मिनिया एंड फॉक्सेस। हमारे पास नेक्स्ट है वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में क्या होता है कि ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है इंटरनल स्केलेटन होगा और अलाउइंग कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज फॉर मूवमेंट, मतलब कि इसमें जो है वो मसल्स अलग अलग तरीके से अटैच होंगे और जो कि वो मसल्स जो हैं वो मूवमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि ये बायोलेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमिक होंगे, सेगमेंटेड होंगे और इनका बॉडी का जो डिफरेंशिएशन है बॉडी टिश्यू का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट ये है कि ऑल जितने भी कॉर्डरेट्स होते हैं उनमें क्या क्या ये चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट होंगी होंगी, जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पेयर्ड गिल पाउचेस होंगे और सिलोमेट होंगे। वर्टिब्रेट जो है वो 6 क्लासेस में डिवाइडेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।